हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टिश्यूज। टिश्यूज चैप्टर में मैं सोच रहा था पहले एक वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन को दे दूं, लेकिन मेरे को लगा यार फिर बेकार में वो वीडियो वेस्ट हो जाएगी और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसमें, है ना। तो मैंने कहा नहीं, चलो टॉपिक ही ले लेते हैं। तो टिश्यूज चैप्टर में मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले तो समझा दूँ भाई, चैप्टर का जो नाम होता है वो तो पता चले, टिश्यूज़ क्या होता है। तो इससे पहले जो हमने अपना चैप्टर पढ़ा था ना, द फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, वो पढ़ा था हमने। तो एक सेल होता है, जैसे हमने अमीबा का एग्जांपल लिया, एक सेल है, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है ना। तो ये सेल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि मतलब सिंगल, सुनते जाओ मैं टिश्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब क्योंकि एक ही सेल है और यही अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जैसे अमीबा, ठीक है। तो अब क्या है, ये एक ही सेल है और इसी में सारे काम हो रहे हैं, फूड भी है यहीं से, ये एक सेल खा रहा है, वेस्ट भी है यहीं से निकाल रहा है, मतलब ये एक ही सेल है। हो सक वो हमने डिटेल में पढ़ा है कि इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल होते हैं, पर जनरली तो एक ही सेल है ना, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। और एक होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें जैसे हमारे ह्यूमंस, हम ह्यूमंस में बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, या फिर प्लांट्स, हम सब किस कैटेगरी में आते हैं, मल्टी। मल्टी मतलब मैनी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल में सारे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, फूड का इनटेक, वेस्ट का आउट, गैसियस एक्सचेंज, मतलब जो भी गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो भी एक ही सेल में हो रहा है, क्योंकि है ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल में होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब क्या होता है, मैनी। तो हमारे अंदर तो मिलियंस ऑफ सेल हैं, हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी या प्लांट्स जो हैं उसमें तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो उसमें तो जो काम हो रहे होंगे, किसी भी टाइप के जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, वो ग्रुप ऑफ सेल्स में होते हैं और हर ग्रुप ऑफ सेल्स का एक अलग अलग काम होता है। इसमें तो एक ही सेल में सारे काम हो रहे हैं ना, एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भेजना भी, गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन का काम भी एक ही सेल में हो रहा है, क्योंकि है ही एक ही सेल, पूरी बॉडी एक ही सेल है अमीबा में। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हमारे कुछ सेल्स का ग्रुप बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है, एक सेल है, सेल है, सेल सेल है, सेल सेल है, और ये सारे सेल हैं, ठीक है। इनका एक ग्रुप है, मैं सिर्फ अब तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मल्टी सेलुलर में क्या होता है। अब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला काम करता है, मान लो हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड पंपिंग का, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा सेल, सेलों का ग्रुप है, दूसरा सेल्स का ग्रुप है ना। ये वाला सेल का ग्रुप आपका क्या काम कर रहा है, मान लो ये रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। आप समझ आए चैप्टर, आप समझ आए टॉपिक का नाम, टिश्यूज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसके एक डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं टिश्यूज की डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलोगे आप, टिश्यूज, द टिश्यू इन विच सेल, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टूगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, ये सारे क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल है ना, सेम इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर भी सबका सेम होगा और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होंगे। जैसे मैंने बोला ये वाला स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल ब्लड पंपिंग का काम कर रहा है और ये वाला स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ सेल्स का रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन नॉन एज अ टिश्यू। तो अगर मैं टिश्यू की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी, तो जैसे इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, भाई बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बहुत सारे ग्रुप ऑफ का सेल है जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है, विच वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो वही जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको यहाँ पर, कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल हैं सेम स्ट्रक्चर के हैं और कोई एक फंक्शन कर रहे हैं, जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड वाला फंक्शन ये सारे सेल मिलकर कर रहे हैं, तो इसी सेल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू, ठीक है। अब जैसे देखो, अब ये बहुत सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी मतलब ये काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आसान भाषा में एफिशिएंसी मतलब अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे सेल्स एक ही पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, है ना, तो ये अच्छे से काम करेंगे। तो इस चैप्टर में, जो टिश्यू चैप्टर में, हम बेसिकली कितने टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं वो ही पढ़ेंगे सिर्फ, और किस 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 में, ह्यूमंस में और प्लांट्स में, और सॉरी ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स, एक ही बात है,
हम भी ह्यूमंस की कैटेगरी में ही आएंगे, एनिमल्स में यहाँ पर, है ना, एनिमल्स और प्लांट्स में कितने टाइप ऑफ टिश्यूज हैं वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी मैं क्या दे रहा हूँ इस चैप्टर का तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन, है ना। तो एनिमल्स और प्लांट्स में हम इस चैप्टर टिश्यू समझ आएगा तुम्हें, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और एक फंक्शन करते हैं सारे मिलकर, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में हम पहले पढ़ेंगे, प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। एक का नाम होता है हमारा जो आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टर MERISTEMATIC, ठीक है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये प्लांट में दो टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, ये पूरे चैप्टर में बस हम यही पढ़ेंगे, प्लांट में दो टाइप के टिश्यू और एनिमल में चार टाइप के होते हैं। चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी मैं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ। एक होता है एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में आपका नर्वस टिश्यू, ठीक। तो ये सब इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, टिश्यू समझ आ गया। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाएं, कितने मिनट गुजार दिए हमने, 6 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आ गया। अब हम आज पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में ये वाला, पहला वाला मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब घुसते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू में, चलिए जी। तो देखिए जी, पहले टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू है मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या होता है, पढ़ो, डेफिनेशन लिखी है मैंने, द टिश्यूज इन विच सेल्स ऑलवेज कीप डिवाइडिंग गिविंग राइज टू अ न्यू सेल्स और कॉल्ड मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मतलब ऐसे टिश्यूज, टिश्यूज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स पढ़ाया भी मैंने आपको, तो ऐसा टिश्यूज जिसमें जो जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जा रहे हैं, फर्दर और डिवाइड होते जा रहे हैं और डिवाइड होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से गिव राइज टू न्यू सेल आते जा रहे हैं। भाई कोई टिश्यूज में आपके इतने सेल हैं, है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, टिश्यू है। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू में क्या होता है, ये डिवीजन होता रहता है इन सेल में, तो ये ऐसे सेल बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना, सेल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के सेल, इस तरह के टिश्यू को जिसमें सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, सेल आते जाते हैं, उनमें डिवाइड होते हैं, डिवीजन होता रहता है बेसिकली, उन टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। अब देखो ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं ना, किसकी बात चल रही है, कंफ्यूज मत होना, अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट में होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। अब मैं जैसे कि मैंने बताया कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं वो हमेशा उनके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, नए नए सेल्स उनमें बनते रहते हैं। तो होता क्या है कि प्लांट है तो प्लांट की जो ग्रोथ है ना, प्लांट की जो ग्रोथ है वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की वजह से ही होती है। मतलब क्या है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की वजह से ही होती है। तो प्लांट है आपका, ये प्लांट है, तो इसकी हाइट ऐसे बढ़ेगी, तो बढ़ रहा है ना, सेल ग्रो होंगे तभी तो हाइट बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की वजह से होती है। प्लांट में जो भी ग्रोथ होती है वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की वजह से होती है। और वो ग्रोथ कहाँ कहाँ पर होती है, वो प्लांट में उन उन जगहों पर ग्रोथ होती है जहाँ पर मेरिस्टमैटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एग्जाम्पल, ये प्लांट है, कोई सा भी प्लांट है, उसमें कहाँ कहाँ ग्रोथ होगी, जैसे आपका रूट में ग्रोथ होगी, रूट बढ़ रही है ना, स्टेम में ग्रोथ होगी, स्टेम बढ़ता है, लंबा होता है ना स्टेम, स्टेम तना पेड़ का स्टेम में ग्रोथ होगी, या फिर स्टेम का मोटापा बढ़ता जाएगा, जो भी, मतलब जहां जहां ग्रोथ हो, जहां जहां ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू पड़ा होगा, रखा हुआ होगा, प्रेजेंट होगा, वहीं पर ही प्लांट्स में क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यू का काम ही है कि डिवाइड करता रहता है सेल को, और डिवाइड करता रहता है सेल को, इसका मतलब ग्रोथ होती जाएगी, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए एक नाम और होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू का, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ टिश्यू। वन मार्क में पूछ सकता है कि भी ग्रोथ टिश्यू किसे बोलते हैं, तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू को ही ग्रोथ टिश्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यू का काम ही होता है कि सेल में डिवीजन होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। अब जब सेल में डिवीजन होता रहता है, नए नए सेल आते जाएंगे, तो ग्रोथ होती जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, रूट में ग्रोथ हो जाएगी, स्टेम में ग्रोथ हो जाएगी, उस एरिया में ग्रोथ हो जाएगी जहां पर ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, प्लांट में जहां जहां पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे वहां वहां ग्रोथ हो जाएगी। क्यों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यू का काम ही होता है सेल का डिवीजन, और नए नए सेल बनते जाते हैं, तो नए नए सेल बनेंगे तो ग्रोथ होगी। तो अब जहां जहां प्लांट के अंदर ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा ना, उसके बेसिस पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू को हम तीन बेसिस में या तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, जहां जहां वो अवेलेबल है प्लांट्स में,
उसके बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट और स्टेम के टिप पे पड़ा है, कोई भी प्लांट है उसमें रूट होती है और स्टेम, स्टेम तने का टिप उस पर रखा है, तो इस तरह के टिश्यू को नाम दे रखा है क्या, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम है तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही ना, इसलिए मेरिस्टम। तो पर ये डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, जिस पोजीशन में ये प्लांट में पड़ा हुआ है उस पोजीशन के बेसिस पे इनके नाम है। जैसे रूट और स्टेम टिप पे है तो एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे उसको। सिमिलरली अगर ये आपका, जैसे आपका, मैं फिगर से समझाता हूँ, ये आपका कोई पेड़ है ऐसे, है ना, ये पेड़ का तना है, और अगर यहाँ ये साइड में ऐसे रखा हुआ है, जहाँ ब्लू लाइन बना रहा हूँ ऐसे साइड में, इसको बोलते हैं लेटरल, लेटरल साइड में अगर रखा हुआ है तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेटरल, मैंने नाम बता दिया, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टम। ये लेटरल साइड में स्टेम के पड़ा होता है और रूट के भी, तो यहां लिख दो अगर वो लेटरल, लेटरल मतलब ऐसे साइड में, ये ब्लू लाइन बताइए ना मैंने, ये स्टेम है, स्टेम के ये साइड में रखा हुआ है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां रखे हुए होंगे, यहां रखे होंगे साइड में, तो इस तरीके के टिश्यू को बोल गया लैटरल मेरिस्टम। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके लैटरल साइड ऑफ स्टेम या रूट में प्रेजेंट होंगे तो उनका नाम क्या देंगे हम, जल्दी बोलो, लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, इसको एक और नाम भी हो सकता है लैटरल मेरिस्टम का, कैम्बियम। कैम्बियम देखो बायोलॉजी में तो ऐसे ही है, जीव जीव से नाम याद रखने पड़ते हैं, है ना। अच्छा जी, तो पहली पोजीशन अगर रूट में और स्टेम के टिप पे रखा हुआ है तो उस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या नाम है, एपिकल मेरिस्टम। अगर स्टेम के और रूट के लेटरल साइड में ऐसे साइड में रखा हुआ है तो उसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम, और दूसरा नाम है इसका कैम्बियम। अच्छा, तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है मेरिस्टेमेटिक की, ध्यान से सुनना, तीसरी पोजीशन, तीसरी टाइप की पोजीशन कहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अवेलेबल हो सकते हैं, भाई हमारा पेड़ है, पेड़ में लीव्स भी तो निकलती है, जैसे आपका स्टेम है तो स्टेम में ऐसे यहाँ लीव्स निकलेगी, है ना। तो लीव्स का ये जो नोड है ना, इसीलिए को नोड बोलते हैं, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़ा होगा। बेस जो होता है लीव का, जहाँ से तने में से, जहाँ से या ट्विग में से, ब्रांच में से, जहाँ से पत्ती निकल रही होगी, उसके बेस पे अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़ा होगा तो उसका नाम क्या होगा, तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ कहाँ पर पड़ा होता है, ऑन द बेस ऑफ लीव्स, ऑन द बेस ऑफ लीव्स, वो इसको बोलते हैं नोड में प्रेजेंट है। जो बेस ऑफ लीव्स है ना, इसका बायो में नाम होता है नोड्स। तो नोड्स में जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है तो उसका भी एक नाम है, क्या नाम है उसका, इंटरकैलरी मेरिस्टम। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कहाँ कहाँ रखे हुए हैं उसके बेसिस पे तीन नामों में इनको क्लासिफाई कर दिया। अगर रूट पे और स्टेम यानी कि तने के टिप पे रखा हुआ है तो बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम। अगर तने और रूट के ऐसे साइड में रखा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो नाम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि लेटरल साइड में ना, लेटरल साइड मतलब ऐसे साइड में, तो बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम। और अगर लीव्स के बेस पे, जिसको हम बोलते हैं बायो में नोड पे रखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। समझ रहे हो, तो कहाँ कहाँ ये रखे हुए हैं उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन नाम बोल दिए, या फिर तीन टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर दिया। अच्छा जी, अब और क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब देखो, जैसे मैंने क्या पढ़ाया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर ऐसे ये स्टेम है, पेड़ का स्टेम समझो इसको, इसके ऐसे टिप पे रखा हुआ है, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ टिप पे रखा हुआ है तो इसका नाम क्या बोला था मैंने, दोबारा देखो, एपिकल मेरिस्टम। या स्टेम के टिप पे रखा होता है या फिर ग्रोथ पे रखा होता है, वैसे वो सॉरी रूट्स पे रखा होता है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम स्टेम के टिप पे रखा होता है और रूट पे रखा होता है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टम क्या काम करेगा, इनके फंक्शन भी देख सकते जाओ, एपिकल मेरिस्टम यानी कि ग्रोथ में काम करता है या फिर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के स्टेम की और रूट की। क्या बताया मैंने, एपिकल मेरिस्टम कहाँ कहाँ रखा होता है, या तो रूट पे या फिर स्टेम की टिप पे। अब जब रूट पे रखा होगा तो रूट को बढ़ाएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही होता है डिवीजन करना यानी ग्रोथ करना, इसका दूसरा नाम ही ग्रोथ टिश्यू है, तो इसका मतलब एपिकल मेरिस्टम का क्या फंक्शन लिख सकते हैं हम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट, स्टेम्स एंड
रूट। ठीक है, अगर कोई फंक्शन पूछे एपिकल मेरिस्टम का, कॉमन सेंस से बता सकते हो मेरिस्टम जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर ग्रोथ होगी, तो एपिकल मेरिस्टम रूट और स्टेम पर होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम और रूट। ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा बताया मैंने आपको, लेटरल वाला, लेटरल मेरिस्टम, ये वाला जैसे ये मैंने बता रखा है, ये क्या आपका लेटरल मेरिस्टम है, ये साइड में है ना, ऐसे स्टेम के साइड में होता है या फिर रूट के साइड में होता है। तो लेटरल मेरिस्टम का काम होता है मोटाई बढ़ाना, अभी साइड में तो ऐसे यहाँ डिवाइड होता जाएगा, ये डिवाइड होता जाएगा, तो इसका मतलब जो पेड़ का जो तना है स्टेम है उसको मोटा करता रहेगा, मोटाई करता रहेगा, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में गर्थ। तो लेटरल मेरिस्टम का क्या काम क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, भाई साइड में है तो साइड में ग्रो होगा ना, इधर रहना ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ऐसे ग्रो होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, इस चक्कर में स्टेम का मोटापा बढ़ता जाएगा, जिसका नाम होता है इंग्लिश में गर्थ, गर्थ मतलब मोटापा। तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ, ये वर्ड नया वर्ड है, कंफ्यूज मत होना तुम्हारे लिए, गर्थ मतलब मोटापा बस सिंपल, जैसे स्टेम का जो मोटापा होता है ना वो लेटरल मेरिस्टम टिश्यूज की वजह से होता है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ स्टेम्स, और रूट में भी होता है, तो चौड़ापन हो रहा था वो भी इससे होता है, फॉर स्टेम्स एंड रूट्स, ये काम करेगा लेटरल मेरिस्टम। और तीसरा मैंने कौन सा बताया था आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम मैंने क्या बताया था, ये पत्ती बनाई है इसके यहाँ बेस पे होता है, इसका नाम क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये बेस पे होता है, तो इसका मतलब इसका काम ये हो सकता है टू ग्रो द लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे साइड बाय साइड ईस्ट टू वेस्ट वाली ग्रोथ, क्योंकि पत्ती यहाँ से उग रही है ना, तो ईस्ट से वेस्ट वाली ग्रोथ यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ये वर्ड याद रख लो, कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये था पूरा खेल आपका, ठीक है, मेरिस्टम टिश्यूज का पूरा खेल आपने समझ लिया। अब और क्या बता सकता हूं मैं आपको मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, ठीक है, तो कंक्लूड करें इस वीडियो को, वीडियो खत्म हो गई। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, आज हमने एक टाइप पढ़ लिया, मेरिस्टमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, खत्म कर दिया उसको। तो कंक्लूजन हमारा इस वीडियो का ये है, वीडियो लंबी हो रही है जल्दी से करते हैं, कि भाई टिश्यूज का मतलब होता है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, सबसे पहले उन्होंने पता पढ़ा टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, सेलों का गुच्छा, आसान भाषा में ग्रुप, जो एक जो सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डू वन फंक्शन, इस चीज को हम बोलते हैं टिश्यू, ये पहली चीज पढ़ी हमने। फिर हमने देखा कि टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, तो प्लांट में टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आज हमने आज पढ़ा, और एक होता है परमानेंट टिश्यू जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा कि तीन कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, किस बेसिस पे, उस बेसिस पे कि प्लांट में कहाँ अवेलेबल है, तो कैटेगरी क्या है, एक है कैटेगरी एपिकल मेरिस्टम, अगर ये रूट पे और अगर स्टेम के टिप पे रखा होता है तो उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। एक होता है लेटरल मेरिस्टम जिसका दूसरा नाम है कैम्बियम, ये अगर स्टेम के साइड में रखा हुआ होता है तो इसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम। और तीसरी कैटेगरी होती है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये अगर कहाँ रखा हुआ होता है, अगर लीव्स के बेस पे यानी जिसको हम बोलते हैं नोड पे रखा होता है तो बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये है मेरिस्टम के तीन क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है कि प्लांट में कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, उसका काम होता है ग्रोथ, और इसका दूसरा नाम एक और है ग्रोथ टिश्यू, ठीक है, ग्रोथ का काम होता है इसका। तो ये थी वीडियो आपकी, लंबी हो गई है, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो अच्छे से इसको देख लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो नीचे पूछ लेना।